क्लास 11th इकोनॉमिक्स पार्ट बी चैप्टर 1। आज हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम, पहले होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हिंदी में हम कहते हैं अधोसंरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स एंड इंक्लूड सच फैसिलिटीज एंड इंडस्ट्रीज विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स फॉर एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जिसमें जितने भी क्या होती है सुविधाएं होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जो हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए क्या होता है आवश्यक होती है, वो सब क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था की जितनी भी ग्रोथ होती है, जो ग्रोथ उससे रिलेटेड होती है, उसके सारे जितने प्रोजेक्ट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए या फैसिलिटी सुविधा हो गई, वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इसमें क्या आएगा, इट इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन जो होते हैं उनको क्या करना, डेवलपमेंट करना, उसमें कम्युनिकेशन, संचार, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई एंड एंसिलरी सर्विसेज, ये सब क्या आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। जितना भी क्या है ऐसा वर्क जिससे हमारे इकोनॉमिक का क्या होता है ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे रोड हो गया, बिल्डिंग हो गई, वाटरवेज हो गए, एयरवेज हो गए, रेलवे हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, टेलीफोन सर्विसेज लाइक वाटर सप्लाई, ये सब आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम सम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज डेवलप्ड विच कन्फाइंड टू रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ETC। ब्रिटिश रिजाइम में, रिजाइम मतलब पहले भी बताया था मैंने आपको, शासक होता है। तो अंग्रेजों के शासन में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी क्या हुआ था, डेवलप्ड हुआ था। किस किस क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट में, रेल ट्रांसपोर्ट में, रोड ट्रांसपोर्ट में एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और उसके साथ डेवलप्ड हुआ था पोर्ट में, पोस्ट में, टेलीग्राफ में। बट ब्रिटिश इंटरेस्ट वॉज इन्वॉल्व इन सच फैसिलिटीज, और ब्रिटिश जो थे उनका उद्देश्य क्या था इन डेवलपमेंट, इन विकास के लिए उनका निजी स्वार्थ था, इसीलिए उन्होंने ये सब फैसिलिटीज़ क्या की थी, डेवलप की थी। वो इंटेंशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। द रियल इंटेंशन वॉज नॉट डेवलप द नेशन, उनका रियल इंटेंशन ये नहीं था कि हमारे राष्ट्र को विकसित करना, बट ओनली टू सेफ गार्ड द ब्रिटिश इंटरेस्ट। उनका मेन इंटरेस्ट क्या था, मेन रीज़न क्या था डेवलपमेंट का, जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करना, मतलब उनका क्या था निजी स्वार्थ था इसके पीछे, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रीजंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ कारण जो थे ब्रिटिश रिजाइम के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के, वो दे रखा। फर्स्ट रेलवे, जो रेलवे डेवलप की थी उसका रीज़न था, रेलवे वर डेवलप टू मूव फिनिश्ड गुड्स फिजिकली फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। रेलवे डेवलप करने का उनका रीज़न ये था, जो फिनिश गुड्स ब्रिटेन से आते थे उन्हें क्या करना, इंडिया के अलग अलग इंटीरियर पार्ट तक, जो एक अंदर तक जो पार्ट होते हैं इंडिया के अंदर तक के जो क्षेत्र होते हैं, इंटरनल बोलते हैं जिसे हम, जैसे टाउन हो गए या विलेजेस के आसपास जो बड़े शहर हो गए, छोटे शहर हो गए या टाउन हो गए, वहाँ पर क्या करना, इन्हें डेवलप करना, वहाँ पर मूव करना है, किसको, ब्रिटिश गुड्स को। सो द ब्रिटिशर्स डेवलप रेलवे टू वाइडन द साइज ऑफ मार्केट फॉर देयर ओन गुड्स, और जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे अपना मार्केट जो था, मतलब ब्रिटिश का जो, ब्रिटेन का जो गुड्स था उनके मार्केट को वाइडन करना चाहते थे, मतलब विस्तारित करना चाहते थे कहाँ पर, इंडिया के मार्केट में। सेकंड, रोड्स, रोड्स वर डेवलप्ड फॉर मोबिलाइजिंग ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया। रोड्स डेवलप करने का पहला रीज़न, रोड्स इसलिए डेवलप हुए ताकि इंडिया में क्या हो सके, ब्रिटिश आर्मी का मोबिलाइज हो सके, उनका चलन हो सके या एक्सट्रीम हो सके, वो विस्तारित हो सके। सेकंड रीज़न ऑफ फॉर डेवलपिंग रोड वॉज टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और टू द पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन। रोड्स इसलिए डेवलप किए गए जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, जैसे रूरल एरिया थे, वहाँ से रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल आसानी से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक और पोर्ट तक आसानी से पहुँच सके, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके और उसे ब्रिटेन सेंड करने में हेल्प कर मिलती थी। जैसे रूरल एरिया थे, ग्रामीण क्षेत्र थे, रेलवे और पोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पर रोड डेवलप किए गए ताकि जो रॉ मटेरियल्स है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, वो कहाँ तक
सेंड हो जाए रेलवे स्टेशन तक और नियरेस्ट द पोर्ट तक सेंड हो जाए. सो डेवलप्ड रोड्स. पोर्ट्स वर डेवलप टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. पोर्ट्स इसलिए डेवलप किए गए, विकसित किए गए ताकि इंडिया से रॉ मटेरियल्स कच्चा माल एक्सपोर्ट हो सके और ब्रिटेन से फिनिश गुड इम्पोर्ट हो सके. तो इसीलिए पोर्ट्स क्या हुआ, डेवलप किए गए. फोर्थ, कम्युनिकेशन संचार. पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स वर डेवलप्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. पोस्ट टेलीग्राम इसलिए डेवलप किए गए, उसका पर्पस क्या था, उद्देश्य ये था कि जो लोग कानून और उनका जो ऑर्डर है उनको क्या कर सके, मेंटेन कर सके. मेंटेन किस रूप में, उनका जो लॉ और ऑर्डर वो दिया जाता था वो डेवलप होगा, लोगों तक जाएगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, डेवलप होगा और मेंटेन होगा. कम्युनिकेशन का सेकंड रीजन था द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वाज डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी. और सेकंड रीजन था कम्युनिकेशन डेवलप करने जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी प्रशासनिक प्रबलता है उसे क्या कर सके, इन्हेंस कर सके, बढ़ावा दे सके और डेवलप कर सके. किसको, उनके प्रशासन को, और ज़्यादा इफिशियंस प्रबल बना सके. तो ये हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द रीज़न बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय ब्रिटिश और एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रिजाइन.